युवाओं का नाश कर दिया, चार साल की अग्निवीर कर दी। ईमान के लिए नाराज है, अगर राजपूत का स्वाभिमान टिका तो हम ईंट से ईंट भिड़ा देंगे, कोई हमारा सम्मान नहीं करने का तो हम उसे मट्टी में रिड़ा देंगे। उनके साथ है, सब साथ है उनके, मोदी के साथ नहीं। मोदी भाई कट साइकिल वाला बटन दबेगा, साइकिल वाला बटन दबेगा, हाँ साइकिल वाला दबेगा। जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ खड़े हैं, जो बीजेपी को हटाएगा वो हम उसके साथ खड़े हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ हम लोग मेरठ में मौजूद हैं और मेरठ में अगर बात की जाए तो एक हुजूम राजपूतों का देखा जा रहा है और उनका कहना है कि कमल को वोट देना हमारी भूल। उन्होंने पोस्टर भी लगा के रखा है, कमल का फूल हमारी भूल। और इस बार भाजपा को उसकी अहमियत बता देंगे कि ठाकुरों की वजह से वो बनी थी और ठाकुर ही उसको बिगाड़ेंगे। अब ये जो स्वाभिमान की लड़ाई है ये सुनने का विषय है और जानने का विषय है कि आखिर किस स्वाभिमान की लड़ाई के लिए आज पूरा राजपूत यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और किन मांगों को लेकर के वो अपनी बात कह रहा है। तो ये यहाँ पर मौजूद हर वो युवा से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर है, किन मुद्दों को लेकर के है, किन मुद्दों को लेकर है। बीजेपी ने हमारी जिंदगी नष्ट कर दी। क्यों भर्ती खा के युवाओं को नाश कर दिया, चार साल की अग्निवीर कर दी और भर्ती हो रही है, भर्ती नहीं हो पा रही। क्या हो रहा है, युवाओं को क्या मिल रहा है बीजेपी से, क्या मिल रहा है बीजेपी से? अग्निवीर योजना को लेकर के नाराज, अग्निवीर योजना को लेकर नाराज है, बीजेपी को लेकर नाराज है, बीजेपी को लेकर नाराज है, संजीव बालियान को लेकर नाराज है। हम तो राजपूतों के स्वाभिमान के लिए नाराज है, अगर राजपूत का स्वाभिमान डिगा तो हम ईंट से ईंट भिड़ा देंगे। हमारा यही काम है ठाकुरों का, अगर हमारा कोई सम्मान करेगा तो हम उसका सम्मान करेंगे, अगर कोई हमारा सम्मान नहीं करने का तो हम उसे मट्टी में रिड़ा देंगे। जो अभी ठाकुर 2014 में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ खड़ा था, ये इसलिए आ गया। हमारे राजपूत जो हैं सांसद हुआ करते थे, ज्यादा हुआ करते थे, अब क्या हो रहा है, अब इन्होंने हमारे सारे टिकट काट दिए। टिकट काट रहे तो भैया हमें आएगा गुस्सा, जब हमारा अस्तित्व नहीं रहने का तो हमारा क्या होगा। हमारा अस्तित्व, हम भाजपा के लिए वोट करते थे, भाजपा हमारा सम्मान नहीं कर रही तो हम इसका सम्मान कहां से कर ले, हम कोई वोट नहीं देने के, बिल्कुल उखाड़ के फेंक देंगे बीजेपी को। पर वो तो कह रही है 400 पार, 400 चार ही ले, चार भी ले, 400 तो बहुत दूर की बात है, ये चार ही पूरी कर लो। ये सारे युवा भाजपा के वोटर थे पर आज ये सारे युवा एक भी वोट नहीं देने का, इस 24 के अंदर तो 95% का वोट देने का नहीं है, 10 सालों देने देने का नहीं है, युवा नहीं देगा। ठीक है, कैसे चलेगा, वो तो कह रहे हैं हम युवाओं को जो है आत्मनिर्भर बना रहे हैं, बीजेपी के ही लोग, बीजेपी वाले जो कह रहा हमारे सामने लेगा वो कह रहा रैली में बैठते आत्मनिर्भर तो हम बढ़ जाते, रैली में थोड़ी ना बैठना पड़ता, बेरा में आत्मनिर्भर बन जाते। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी आए हुए हैं, तो मुस्लिमों से हमें क्या दिक्कत है, मुस्लिम तुम्हारे भाई है, ये भी अपने भाई भाई है, नेता ही भिड़ावे हमें, नेता ही भिड़ावे हैं, और नेता भिड़ाते हैं और कौन भिड़ावे, लोगों के साथ सपोर्ट में खड़े होने के लिए। अच्छी बात है, पूछ रहा है हम आपसे, अच्छी बात है, सपोर्ट में अच्छी बात इसी के लिए। अब ये राजपूत या पुराने राजपूत है ना, छोड़ जाता है, अब ये दोबारा राजपूत बनना चाह रहे, ये सब यही है। पर कहा तो ये भी जाता है कि सूबे का मुखिया जो है वो तो ठाकुर बैठा है ना, तब काहे आप लोगों को दिक्कत, उनके लिए तो तैयार है, जब विधानसभा का चुनाव आएगा हम सारे योगी जी के साथ है, सब साथ है उनके, जब विधानसभा मोदी के साथ नहीं है, मोदी बाईकट नाराजगी मोदी जी से, मोदी से बीजेपी से, बीजेपी से मोदी जी से, विधानसभा के चुनाव में हम योगी जी के साथ है सब, पर जो लोकसभा का चुनाव है उनके विपक्ष में है, क्योंकि उनसे हमारे साथ जाती हो रही है। निष्कर्ष कैसे निकलेगा, निष्कर्ष ऐसे निकलेगा, ये पहचान बन रही है ना, जो जा रही है ना आला कमान को मैसेज जा रहे हैं बड़ी बड़ी रैलियों के, उन्हें लगेगा पता कि ये आज विपक्ष में है तो ये कल हमारे बारे में सोचेंगे। 19 तारीख को मतदान होना है, साइकिल वाला बटन दबेगा, साइकिल वाला बटन दबेगा, हाँ साइकिल वाला दबेगा, गठबंधन के साथ पूरा राजपूत चला जाएगा, सारा राजपूत समाज, ए टू जेड समाजवादी पार्टी। कहा जा रहा है कि संजीव बालियानी मेन जड़ है राजपूतों की, अगर साइकिल वाले भी नहीं सुनेंगे तो अगली बार साइकिल वाले को भी फाड़ के फेंक दे जाएगा, भरोसा जता रहे। लेकिन कैसे होगा, वो तो पूरा एक गठबंधन तैयार है। अरे गठबंधन क्या है, तेल लेने गया, गठबंधन तेल लेने गया, इस बार सपा के साथ आप लोग खड़े होंगे जी, सपा के साथ खड़े होंगे, सपा के साथ, हम सपा के साथ नहीं, हम खड़े हैं, जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ खड़े हैं, जो बीजेपी को हटाएगा वो हम उसके साथ खड़े हैं। 2014 में
राजपूतों का वोट बैंक सबसे ज्यादा था भाजपा के लिए, सबसे ज्यादा राजपूतों का। और इस बार हमारी वाली सीट से, लोकसभा सीट से, राजपूतों का वोट बैंक भाजपा के लिए बिल्कुल कम जाएगा, सबसे कम भाजपा के लिए जाएगा। तो क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव करेंगे आप लोग भी? बदलाव बदलाव किन मुद्दों को लेके आए? मुद्दा तो यही है जी, भाजपा बाइकआउट करना, बालियान का बाइकआउट करना, जाटलैंड बना रखा है, जाटलैंड का बाइकआउट करना, जाटलैंड बना रखा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है राजपूत वर्सेस जाटलैंड होती जा रही है ना। जाट जो नहीं है जी, जाटलैंड ये हमारा भी, हमें भी हक चाहिए इसमें, हमें भी हक चाहिए, हमारा भी, हमारी भी बैठे, राजपूतों का भी बैठे है, ठीक है। जाटलैंड रह गया और कोई बिरादरी नहीं है, रहा बता मैं आपका बताते हैं कौन हो रहा है, अकल आ जाएगी आपका। जाटलैंड को इंग्लैंड बना देगा आपके, ठीक है। तो इस बार जैसे चौधरी चरण सिंह को भी उन्होंने भारत रत्न दिया है, तो ये सब भी नाराजगी है क्या आप लोगों को? नहीं वो सही है, वो दिया जाना चाहिए था, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें वो सही करा। हाँ जी, जो मेन दिक्कत यही है कि जो प्रत्याशियों को नहीं खड़ा। हाँ जी, प्रत्याशी गलत खड़ा करा इन्होंने, सबकी हिस्सेदारी बने, सबको टिकट मिलना चाहिए। एक बिरादरी पे ठेका थोड़ी आ गया, टिकट तो सबको मिलना चाहिए, एक बिरादरी पे ठेका आ गया। यहाँ हम भी रहे हैं, सब रहे हैं यहाँ, तो जो एक बिरादरी पे ठेका नहीं आना चाहिए, टिकट सब में घूमना चाहिए, सम्मान सबका होना चाहिए, हमें भी सम्मान चाहिए इस बात का। अच्छा, कहा ये भी जा रहे हैं कि ये जो आंदोलन आप लोगों का हो रहा है, ब्रजभूषण को टिकट दिलाने के लिए दबाव दिया जाए। नहीं जी, टिकट किसी चीज का नहीं, टिकट हमें चाहिए नहीं, हमें टिकट चाहिए थे, हमें ये नहीं कि उस ब्रजभूषण को टिकट मिल जाए, किसी को टिकट मिल जाए, पर हमें राजपूतों का सम्मान चाहिए, सम्मान, ठीक है। पहले इतने सस्ता टिकट मिल जाते, अभी एक भी टिकट नहीं है, बताओ कहाँ टिकट है। भाजपा ऐसा क्या करे कि आप लोगों का फिर से जो स्वाभिमान है वो ठीक हो जाए? हमें चाहिए, हमें टिकट चाहिए हर जगह से, हमें अपने वो चाहिए, हक चाहिए, टिकट चाहिए हमें, हाँ उसमें हर उसमें सिर्फ टिकट चाहिए, सत्ता चाहिए हमें। युवा पूरा इस बार समर्थन कर रहा है कि बीजेपी को नहीं करेगा वोट? हाँ जी, नहीं करने के, हम नहीं करने के, जो हराव को शू करेंगे, हम हत्ती को करेंगे, हम साइकिल को करेंगे, जो भी इसको हराव को शू करेंगे, मर्जी कोई हत्ती बदो जाए, कोई साइकिल बदो। मतलब इस बार राजपूतों का वोट जो है बसपा सपा में बट जाएगा? बसपा सपा में बटेगा जी, बराबर अपना जो भी जहाँ भी हिसाब बनेगा बसपा का वहाँ बनेगा, बसपा को देख लेंगे, सपा को बनेगा सपा को देख लेंगे, पर भाजपा को नहीं करने के हम। संजीव बालियान की से क्या ज्यादा नाराजगी रह रही है? नाराजगी तो है ही, अलग से अलग वो देवे बयानबाजी देते हैं, हमारे खिलाफ देवे बयानबाजी रखोगे, इस वजह से भी है जी, बहुत है। भर्ती जो निकाली थी अग्निवीर की, उसमें भी कुछ घपलेबाजी करी जी, उसमें भी करी, घपले करे और क्या करे हो और क्या, वो तो नू बता करे, नू जो खेती करे वो जाट, खेती करने वाला जाट का, हम तो यहाँ स्टेशन पर आ रहे, खेती करने वाला जाट है क्या, सब खेती करे, उनसे ज्यादा खेती होगी, हमारे पास जाट है, हम का जाट है। तो देखिए, नाराजगी की वजह जो है वो साफ है कि आखिर इस बार राजपूतों के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, और ये जो ठेस पहुंची है, इस ठेस का जवाब वोट की चोट से होगा, और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन तौर पर जो भाजपा का सपना है अब की बार 400 पार और यूपी में 80 में 80, वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि ये वोट साफ तौर पर राजपूतों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फिर वो चाहे बसपा के खेमे में जाए या फिर सपा के खेमे में जाए, क्योंकि इस बार नाराजगी जो है वो इस बात को लेकर के है कि आखिर हर बार प्रत्याशी के नाम पर